फ्रेंड्स, आज हमारा डेरिवेटिव का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम दो लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप डेरिवेटिव को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या आपको दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स में 12th क्लास में चेन रूल यूज होता है, जो कि आपको चेन रूल अगर अच्छी तरह समझना है तो आपको हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, उसमें अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया हुआ है चेन रूल, और बेसिक डेरिवेटिव भी डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले हम देख लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। अभी तक आपने जो डेरिवेटिव निकाला है उन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाला है जिसमें हम वाई को डायरेक्ट एक्स की टर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे पहले वाली आप एक्सरसाइज है 5.2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव निकालें। तो आपने आप लिखते थे लेट वाई इज इक्वल टू, तो वाई डायरेक्ट किसकी टर्म में है, एक्स की टर्म में है। तो ये कहलाते हैं हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू x की 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, तो y डायरेक्ट किसकी टर्म में है, x की टर्म में है। तो ये कहलाएंगे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हम y को डायरेक्ट x की टर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा y स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 4, क्या आप y को अलग निकाल सकते हैं, यानी कि y को अलग कर लें, x को अलग कर लें, नहीं कर सकते, ये एंगल में पड़ा है, ठीक है, y को आप नहीं निकाल सकते। दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शंस। कहने का मतलब है वो फंक्शंस जिसमें हम y को डायरेक्ट x की टर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि y सिंगल एक तरफ हो और बाकी x की टर्म या सब कुछ अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आज हम डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड हमारी, एक्सरसाइज 5.3। देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट और सेकंड तो हमारे इजी हैं। फाइंड डीवाई बाई डी एक्स क्वेश्चन 3 है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर कॉस वाई। देखिए इंप्लिसिट फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप एक थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं आपको, जो कि हमने यानी कि जो कि चेन रूल ही है। डेरिवेटिव आपने किया है, डेरिवेटिव ध्यान से देखें आप, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव या ये कहें x के n का डेरिवेटिव। अगर आप इसको थोड़ा बेसिक, क्योंकि ये इसमें यूज होगा हमारा थ्रू आउट, x की पावर n का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। अब x में ये है, x में ये है, यानी कि x का फंक्शन है। अगर मैं डेरिवेटिव y लिखूं और यहां पे y की पावर n लिखूं, तो n y की n माइनस 1 हो जाएगा, दोनों तरफ y है, ठीक है। बट यहां पे मान लो हमारा y की स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 2y, क्योंकि y की स्क्वायर का ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y की स्क्वायर का, तो क्या आएगा। जैसे चेन रूल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, चेन रूल के लिए मैंने बताया था डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू द पावर n, जैसे x की n है। अब यहां पे अलग अलग हो गए ना, ये फॉर्मूला हमने लेक्चर फर्स्ट में किया है, अब ये अलग अलग है, पहले तो हम इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू u आएगा, जैसे x की n का विद रिस्पेक्ट टू x है, तो क्या आ जाएगा n u रेज टू द पावर n माइनस 1, फिर बेस का और लेते हैं du बाई dx, ठीक है। इसी तरह y की स्क्वायर का डेरिवेटिव ध्यान दें, y की स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 2y होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, पहले तो हम इसका करेंगे जैसे u की n का किया है, y की स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, फिर बेस का और लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy बाई dx, ठीक है। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपको अच्छी तरह, क्योंकि हमारा ये 6 चैप्टर में भी यूज होगा। जैसे मान लो मैं डेरिवेटिव लेता हूं डीवाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, जैसे यू की एन होता है, पहले आप टी की स्क्वायर का देखो अलग अलग है ना,
अब टी की स्क्वायर का पहले विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, क्या आ जाएगा टू टी, ठीक है। अब बेस का और लेना आपने, अगर विद रिस्पेक्ट टू टी होता तो ठीक है, हो गया था टू टी। अब फिर बेस का विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं तो वन आ जाता है, बट यहां पे अलग है, तो बेस का और लेना है, क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इस कंसेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए जो कि हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं साइन एक्स का, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, ठीक है। साइन यू का डेरिवेटिव, या मैं कहूं साइन यू का डेरिवेटिव हमने किया था, अब यहां पे अलग है ये, तो साइन यू का पहले विद रिस्पेक्ट टू यू होगा, वही चेन रूल है ये, कॉस यू, फिर एंगल का और होगा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। जैसे हम यहां पे करेंगे, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसको मैं रब कर देता हूं, देखें भाई डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट, क्योंकि वाई को तो हम अलग निकाल नहीं सकते, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर डी लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या होगा डी बाई डी एक्स हर जगह डायरेक्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, देखिए पेपर में ना तो एक्सरसाइज 5.2 आती है जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1-8 हैं, ना ही हमारी एक्सरसाइज 5.3 के जो हम ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1-8, ये हमारा सिर्फ बेसिक है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे। डेरिवेटिव ए एक्स, ए बी सी जहां पे भी आते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ए कांस्टेंट है तो एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया, बी वाई स्क्वायर, बी कांस्टेंट है वाई, वाई हमारा वेरिएबल है, बी कांस्टेंट रहेगा सिर्फ डेरिवेटिव किसका आएगा वाई की स्क्वायर का, कोस वाई, इसका मतलब ये कोस यू है, देखो यहां पे वाई है यहां पे एक्स है तो कोस यू समझेंगे आप, ठीक है। पहले आप कोस वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर y का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos y का माइनस साइन y, और फिर डेरिवेटिव किसका एंगल का, ठीक है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y लेता cos y का, आपको आता है जैसे cos x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है माइनस साइन x, उसी तरह से cos y का विद रिस्पेक्ट टू y माइनस साइन y होता है, ठीक है, क्या होता है माइनस साइन y। फिर बात रहती है एंगल की, इस y का और लेना होता है इसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का विद रिस्पेक्ट टू y वन ही होगा तो इसलिए लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग है तो एंगल का और लेना है, वो क्या आ जाएगा y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स और आ जाएगा, ठीक है। तो a a प्लस बी, अब डेरिवेटिव y की स्क्वेयर का अलग अलग है ना यहां पे, इट मींस पहले y की स्क्वेयर का 2y, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई होता तो 2y आ जाता, अब 2y फिर y का और लेना पड़ेगा, बेस का और लेना पड़ेगा dy वाई बाई डी एक्स, तो माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें निकालना क्या dy बाई डी एक्स, तो क्या करें आप dy बाई डी एक्स की कलेक्ट कर लें टर्म्स को, टर्म्स हम कलेक्ट करेंगे तो ये हमारा a प्लस टू बी वाई, डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं और इधर एक कलेक्ट कर लेते हैं, टू बी वाई हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ए को ले जाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे तो ये क्या है हमारा टू बी वाई प्लस साइन वाई और इजल टू ए माइनस ए, सॉरी माइनस ए, तो हमने तो निकालना डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया माइनस ए बाई टू बी वाई प्लस साइन वाई, ये हमारा डीवाई बाई डी एक्स आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। डीवाई बाई डी एक्स निकालना हमें, डीवाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बी एस का मतलब बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इंप्लाइज डी बाई डी एक्स, सबका डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस
y का डेरिवेटिव तो dy dx ऑफ y, इसको रबी कर देते हैं। देखिए मैंने dy dx लिखा है, एक स्टेप बढ़ गया आपका, मतलब आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं, एक स्टेप का ही क्वेश्चन बस। ये आपको हर पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं लिख रहा हूं dy dx। अब डेरिवेटिव x y दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, इसमें हम कहते हैं dy/dx, y इसका अर्थ था डिपेंडेंट वेरिएबल और x इसका अर्थ था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम यहां पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल से। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड y का डेरिवेटिव, देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, समझ में आ रहा है ना। और y की स्क्वायर का, लेकिन यहां पे तो x है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y और फिर बेस का dy/dx, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये क्या है dy/dx। अब dy/dx हमें फाइंड आउट करने हैं, बाकी सारे हमारे डेरिवेटिव फिनिश हो गए। तो dy/dx हमने इसका भी डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका भी डेरिवेटिव निकाल लिया। तो dy/dx की कलेक्ट कर लेंगे टर्म्स को, dy/dx x प्लस 2y यहां पे और वहां पे मैं लिख देता हूं पूरा ही, x dy/dx प्लस 2y dy/dx, उधर प्लस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये sec square x राइट हैंड साइड में प्लस का ही रहेगा और y आगे हमारा माइनस का। तो dy/dx हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या आ गया, x प्लस 2y माइनस 1 sec square x माइनस y, हमें क्या फाइंड आउट करना, dy/dx, तो क्या आ गया हमारा sec square x माइनस y डिवाइड बाई x प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड dy/dx, वही डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको डेरिवेटिव, अगर आप जितने रिवीजन करेंगे एक सेकंड में डायरेक्ट इनके डेरिवेटिव्स लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका क्या होगा, नहीं अदरवाइज आप dy/dx लिखते हैं, dy/dx ऑफ x क्यूब प्लस dy/dx ऑफ x स्क्वायर y प्लस dy/dx ऑफ x y स्क्वायर dy/dx ऑफ y क्यूब, और डेरिवेटिव 81 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या होता है, जीरो होता है। अब x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, अब देखो बेस का कहीं पे भी मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है, बेस रेज टू द पावर मिल जाए, बेस कुछ भी हो, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, और उसकी पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लो साइन एक्स पावर, ठीक है, तो एक्स की पावर जैसे एन लगाते हैं वैसे ही डेरिवेटिव करने हैं, पावर नीचे आ जाती है बेस की, फिर एक पावर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जैसे डेरिवेटिव एक्स की एन का क्या करते हैं, पावर नीचे आ जाती है बेस की पावर एक घट जाती है, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो वन आ जाता है, वो लिखते नहीं। तो बेस रेज टू द पावर एन, एन कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, तो वही रूल यूज करना है यहां पे भी। अब एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब ये दोनों वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड वाई का डेरिवेटिव dy/dx, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, अब एक्स की स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूं dy/dx ऑफ एक्स की स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड और सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और प्लस इसका डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका, फिर dy/y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, आप इन्हीं इतने स्टेप मैंने लिखे हैं, आप इसको एक ही स्टेप में कर सकते थे, ये आपको सारा क्लियर करने के लिए 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy/dx y, डेरिवेटिव x की स्क्वायर का क्या आएगा 2x x,
अब y की स्क्वायर का 2y, अब बेस का फिर लेंगे y का, क्योंकि y की स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y तो 2y होता है, बट विद रिस्पेक्ट टू x 2y dy by dx, और y की स्क्वायर x का कितना 1, 3y की स्क्वायर dy by dx is equal to 0, कलेक्ट कर लें टर्म्स 1 2 3, तो x स्क्वायर dy by dx कॉमन लेते, पहले dy by dx लिख देता हूं मैं, dy by dx, हमने dy by dx कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा x स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा 2xy, और यहां पे क्या बचा 3y स्क्वायर, अब जितने भी टर्म है विदाउट dy by dx उनको क्या करें राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और दिस इंप्लाइज dy by dx हमारा क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लें इसमें से 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए सेवन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड dy by dx, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव sin स्क्वायर y प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos xy इज इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, लिखता हूं डिवाइड x ऑफ पाई, पाई तो कांस्टेंट है डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब sin स्क्वायर y, आपने देखिए छोटे छोटे स्टेप होते हैं उनके डेरिवेटिव आने चाहिए, जैसे sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव है पिछली हमने उसमें किया था लास्ट 5.2 एक्सरसाइज में डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x, इसका मतलब है क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है थोड़ा इजी स्टेप बता देता हूं आपको, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की होल स्क्वायर, इसका मतलब है यू की पावर एन, जैसे एक्स की पावर एन का करते हैं, मैंने बताया था बेस की पावर हो तो पावर नीचे एक पावर इसकी घट जाएगी, और बेस का फिर डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव और लेंगे हम, ठीक है, इसी तरह इसका मतलब है साइन वाई की होल स्क्वायर, ठीक है, तो टू नीचे आ गया साइन टू साइन वाई, अब किसका डेरिवेटिव और आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, किसका साइन वाई का, और प्लस डेरिवेटिव कोस के बाद ये कोस का एंगल है, मैंने आपको बताया था लेक्चर सेकंड में कि जो हमने एक्सरसाइज 5.2 की है कोस के बाद कुछ भी आए लॉगरिथमिक आए वो उसका एंगल समझा जाएगा, और उसको यू मान लेना कोस यू, कोस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू, फिर डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव ऑफ यू का डेरिवेटिव, और ये पाई का डेरिवेटिव जीरो हो गया हमारा, टू साइन वाई डेरिवेटिव साइन वाई, साइन वाई जैसे एक साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई साइन वाई, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे फिर एंगल का फिर लेंगे dy by dx माइनस साइन एक्स वाई, ये एंगल है इसका, अब देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई है इससे, अब एक्स वाई का जब हम डेरिवेटिव लेंगे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल लेंगे तो दो टर्म आएंगी, तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म आएंगी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, वाई का डेरिवेटिव dy by dx सेकंड फंक्शन और एक्स का वन, 2 साइन वाई 2 साइन थीटा कोस थीटा, फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे साइन 2 थीटा डीवाई बाई डी एक्स माइनस मल्टीप्लाई करते हैं x साइन एक्स वाई और माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई और इजबल टू जीरो, अब कलेक्ट कर लें टर्म्स डीवाई बाई डी एक्स की टर्म कलेक्ट कर लें, यहां पे डीवाई बाई डी एक्स भी आएगा भाई x साइन एक्स वाई डीवाई बाई dx और माइनस क्या होगा y साइन एक्स वाई, ठीक है इज इक्वल टू जीरो, अब dy by dx की अगर हम कलेक्ट करेंगे टर्म्स dy by dx साइन टू वाई माइनस x साइन एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा y साइन एक्स वाई, तो हमने निकाला dy by dx क्या हो गया हमारा y साइन एक्स वाई
एंगल है ये, डिवाइड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर एक स्टार्ट करते हैं, फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू वन, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अब हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो इसका मतलब साइन एक्स की होल स्क्वायर है, तो टू नीचे आ गया, टू साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, साइन एक्स का, कोस स्क्वायर वाई का मतलब है कोस वाई की होल स्क्वायर, तो टू नीचे आ गया कोस वाई, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, कोस वाई का, और वन का जीरो, ठीक है, समझ में आया भाई। टू साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, टू कोस वाई, अब कोस वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले कोस वाई का जैसे साइन साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसी तरह माइनस साइन वाई, बट एंगल का और लेना है, डीवाई बाई डी एक्स, तो ये हमारा टू साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला था, साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा साइन टू थीटा, थीटा हमारा वाई है, और डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हम साइन टू वाई डीवाई बाई डी एक्स किसके बाद, साइन टू एक्स, और डीवाई बाई डी एक्स हमने निकाला तो क्या आ गया, साइन टू एक्स डिवाइड बाई साइन टू वाई, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। डेरिवेटिव जो साइन इनवर्स एक्स का होता है वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव कोट इनवर्स एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में कंपोजिट फंक्शंस किए थे, चेन रूल हमारा एल्जेब्रिक में भी लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी चेन रूल यूज होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी चेन रूल यूज होता है, लॉगरिथमिक जो आगे हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेंगे, यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर में कंटिन्यूटी को छोड़ के चेन रूल हमारा अप्लाई होता है। अब जैसे मैंने ट्रिगो में लिखा था जो एक्सरसाइज हमारी 5.2 थी, साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से अलग कुछ और आ जाए उसको यू समझेंगे आप, वो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है वन बाई अंडर द स्क्वायर रूट वन माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। सिमिलरली डेरिवेटिव कोस इनवर्स यू वन बाई माइनस वन बाई अंडर वन माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स यू सेम आ जाएगा यू के अंदर डी यू बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की स्क्वायर, हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स यू है, जैसे कि मैंने बोला साइन इनवर्स के बाद ये इसकी वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रियल वैल्यू, साइन इनवर्स के बाद कुछ भी आए उसको आपने यू समझना है, तो साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कंपोजिट फंक्शन है ये, कंपोजिट देखिए कैसे, मैंने इसको यू पुट कर दिया तो वाई हो गया साइन इनवर्स यू, और यू मैंने इसको पुट किया है, ठीक है, अब देखो वाई किसका फंक्शन है, यू का, और यू किसका फंक्शन है, एक्स का, तो इसका मतलब वाई क्या हुआ हमारा, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, या ये कहीं कंपोजिट फंक्शन, वही पे तो चेन रूल लगता है, ठीक है, तो हम यू पुट के नहीं करेंगे, यू पुट करके, क्योंकि वो मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स वन बाई अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव किसका, एक्स की स्क्वायर का होगा आ जाएगा, तो टू एक्स आ गया हमारे पास,
रूट वन माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई टू, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्या समझेंगे हम, टेन इनवर्स यू वाला। टेन इनवर्स के बाद कुछ भी आए, टेन इनवर्स एक्स बोले आप इसको, टेन इनवर्स यू। तो डिवाइड बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का क्या होता है, वन बाई वन प्लस टेन इनवर्स यू, यू का स्क्वेयर, या ये कहे टेन इनवर्स के साथ जो हमारा एक्स लगा हुआ है, यहां पे एक्स बाई टू टू है, टेन इनवर्स यू का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस यू स्क्वेयर, फिर यू का और आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आप अपने आप लिख लेना, बाकी टेन इनवर्स यू में वन ओवर वन प्लस यू की स्क्वेयर, फिर डी यू बाई डी एक्स, तो वन प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वेयर, और फिर डेरिवेटिव किसका और आ जाएगा, एक्स बाई टू का। अब कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई, वन ओवर वन प्लस एक्स की स्क्वेयर बाई फोर इंटू एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जैसे आप टू एक्स का लेते हैं तो क्या आता है, टू आता है, और एक्स बाई टू का क्या आ जाएगा, ये इसका मतलब वन बाई टू इंटू एक्स, तो वन बाई टू आ जाएगा एक्स बाई टू का। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस तरह से हम इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स की स्क्वेयर। जैसे कि मैंने बताया था, जहां पे भी जैसे हमने अभी डेरिवेटिव निकाला था साइन इनवर्स एक्स की स्क्वेयर का, तो ये साइन इनवर्स यू समझेंगे आप, और साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव वन बाई अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वेयर इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो अगर हम इसको यू समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने सेकेंड चैप्टर में भी की है, ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, या ऐसा कुछ फंक्शन पुट करें कि ये हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो एक ऐसा फंक्शन पुट करें, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर भी हमारा साइन बने, और प्रॉपर्टी आपने सेकंड चैप्टर में की है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, एक्स के इक्वल होता है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। क्यों किया टेन थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला मेरा साइन 2 थीटा का बन जाएगा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, सेकंड चैप्टर में किया आपने अच्छी तरह से। दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताएंगे किसका फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का, 2 थीटा आ गया, तो वाई कितना आ गया हमारा 2, और थीटा हमने क्या पुट किया था, थीटा क्या था हमारा टेन इनवर्स एक्स। अगर आपको डायरेक्ट पता है ये फॉर्मूला इसका होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या मैंने पुट करके दिखाया है। अभी आ गया इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, बहुत आसान है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या आ गया, टू कॉन्स्टेंट है, किसका आएगा सिर्फ टेन इनवर्स एक्स का, वो क्या होता है वन बाई वन प्लस एक्स की स्क्वेयर, ये आ गया हमारा आंसर। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x minus x cube 1 minus 3x square। अब जैसे हम अगर हम इसको tan inverse u के point of view से करें, tan inverse u का derivative क्या होता है 1 over 1 plus u square, फिर derivative किसका आ जाता है u का, tan inverse के साथ जो भी हमारा variable है उसका और आ जाता है derivative। तो ये तो lengthy हो जाएगा हमारा उस तरीके से। तो हम इसमें कुछ ऐसा function put करें कि बाहर tan inverse है, अंदर हमारा tan का formula बन जाए। ठीक है, तो 10 का पुट x इज इक्वल टू 10 थीटा, आपने इनवर्स ट्रिगो में किया अच्छी से, थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x। तो हमारा ये y क्या आ गया, क्यों पुट किया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है अंदर हमारा 10 3 थीटा का बनेगा। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 10 थीटा माइनस 10 3 थीटा। ये हमारा सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है सारा, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया हमारा 10 इनवर्स tan 3 थीटा, ये क्या आ गया tan इनवर्स 10x, x के इक्वल होता है थीटा के, हमारा tan इनवर्स x। तो देखिए हमारा y क्या आ गया 3 tan इनवर्स x। तो ले सकते हैं आप डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड बाय dx क्या आ गया हमारा 3 into 1 over 1 plus x square। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 12 और 11 सेम है, 12 क्वेश्चन में हमारा साइन इनवर्स की जगह कोस इनवर्स है, वो क्वेश्चन 11 हमारा इससे भी आसान है। देखिए कुछ ऐसा फंक्शन पुट करना है, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी हमारे इनवर्स के क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स की स्क्वायर,
तो हम x को tan थीटा ही पुट करते हैं, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, स्टैंडर्ड होता है हमारा a स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर, यानी कि 1 आए तो स्क्वायर रूट में आए तो तब पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। बट इन क्वेश्चन में एक्सरसाइज की जहां तक बात है एनसीईआरटी की, 1 प्लस x की स्क्वायर है जितने भी क्वेश्चन हमारे, वहां पे x इक्वल टू tan थीटा ही पुट करना है, पुट x इक्वल टू tan थीटा, क्यों कर रहे हैं tan थीटा, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर हमारा या तो कोस का फॉर्मूला बने या साइन का, ठीक है, कोस का साइन का बनेगा तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये tan थीटा पुट करने से किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस का बन रहा है, कोस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दिस इंप्लाइज थीटा क्या आ गया हमारा tan इनवर्स x, तो दिस इंप्लाइज y क्या आ गया हमारा sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया हमारा sin इनवर्स किसका फॉर्मूला होता है ये cos 2 थीटा का, बट यहां तो sin इनवर्स है, और 11th क्वेश्चन में हमारा यहां पे cos इनवर्स है sin इनवर्स की जगह, तो cos इनवर्स cos x तो डायरेक्ट ही 2 थीटा आ जाएगा, बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा sin में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि sin इनवर्स sin x क्या होता है x के इक्वल होता है, ठीक है भाई, sin इनवर्स तो cos को कैसे चेंज करेंगे sin 90 माइनस थीटा, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो आ गया ना कॉस थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स की इक्वल आ गया पाई बाई टू माइनस, क्योंकि हमारे सेकंड चैप्टर में किया है साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है, तो वाई हमारा क्या आ गया पाई बाई टू माइनस टू थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे थीटा क्या हमारा पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट लिखे आप बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy by dx क्या आ गया pi by 2 तो कांस्टेंट है 0 आ गया, और tan इनवर्स x का आ गया 1 plus 1 by x की स्क्वायर, दिस इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं पहले फिर 15 करते हैं, y dy by dx फाइंड आउट करना है, y equal to sin इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 minus x की स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है, देखो बाहर sin इनवर्स है, अंदर एक ऐसा फंक्शन पुट करना है जिससे कि हमारा sin का फार्मूला आए या अंदर cos का फार्मूला बने, और ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जहां पे भी 1 माइनस एक्स की स्क्वायर आए तो x इक्वल टू साइन थीटा पुट करें या कोस थीटा, तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा, सेकंड चैप्टर में सीखा हमने 1 माइनस एक्स की स्क्वायर आए तो x को साइन थीटा या कोस थीटा, और 1 प्लस x की स्क्वायर स्क्वायर रूट हो तो x को या तो आप tan थीटा पुट करेंगे या cot थीटा, ठीक है, तो यहां से हमने थीटा निकाला ये आ गया हमारा साइन इनवर्स x, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बता सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा cos थीटा, अब किसका फॉर्मूला होता है ये sin 2 थीटा का, तो क्या आ गया 2 थीटा आ गया, और थीटा क्या हमारा sin इनवर्स x, तो इसका मतलब y हमारा आ गया 2 sin इनवर्स x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड बाय dx का आ गया 2 by इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 1 minus x के स्क्वायर अंडर रूट। उसी तरह sec इनवर्स है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हमने एक ऐसा फंक्शन पुट करना है जिससे कि हमारा अंदर या तो हमारा sec में फंक्शन बन जाए, इसमें बन जाए sec में, तो x को हम पुट x को हम कर रहे हैं x इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा क्यों किया भाई यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फंक्शन होता है किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो क्या बन जाएगा cos का sec बन जाएगा, तो स्टैंडर्ड नहीं है बस आपको देखना है, रिवीजन करेंगे तो पता लग जाएगा क्या हमें क्या पुट करना है, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू sec इनवर्स 1 by 2 cos square theta minus 1, this implies y is equal to sec inverse 1 by cos 2 theta का formula होता है, so this implies sec inverse ये क्या हो गया sec 2 theta हो गया, और 2 theta और theta की value put करेंगे cos inverse x, यानी कि y हमारा क्या आ गया 2 cos inverse x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का आ गया 2 बाई, अब बताएंगे कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस
माइनस यहां लगाते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स की स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर।